3, 2, 1। भारत के लिए इसरो ने एक नया ब्रह्मास्त्र तैयार किया। अब पाकिस्तान और चीन की चालबाजी को नाकाम करने के लिए ये हथियार अहम साबित होगा। तो क्या है भारत के डिफेंस सेक्टर की नई रफ्तार का नाम और कैसे पलक झपकते ही दुनिया में किसी भी कोने में बैठे दुश्मन का कर देगा ये काम तमाम। नमस्ते, मैं रमन हूँ और आप हैं मंच पर। इसरो अब इंडियन डिफेंस सेक्टर को नई रफ्तार देने जा रहा। ये रफ्तार हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटर व्हीकल से मिलेगी, जिसका इसरो ने हाल ही के दिनों में सफल परीक्षण करते हुए सारे पैरामीटर को भी पार कर लिया है, जिसके बाद से अब इंडिया, अमेरिका, रूस और चीन के बराबर खड़ा हो गया है। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को डेवलप करके भारत ने डिफेंस सेक्टर पर बड़ी छलांग लगाई है। इसरो ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट लिखते हुए कहा कि इसरो और इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ ने मिलकर इस हाइपरसोनिक व्हीकल का टेस्ट किया है। टेस्ट में इस हाइपरसोनिक व्हीकल ने सभी जरूरी पैरामीटर हासिल किए और हाइपरसोनिक व्हीकल ने पूरी क्षमता के साथ प्रदर्शन किया। हाइपरसोनिक व्हीकल एक प्लेन मिसाइल या स्पेसक्राफ्ट भी हो सकता है। भारत अपने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटर व्हीकल प्रोग्राम के हिस्से के रूप में एक स्वदेशी ड्यूल कैपेबल हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी डेवलप कर रहा है। ये जो मिसाइल कन्वेंशन वेपन के साथ साथ न्यूक्लियर वेपन को ले जाने में कैपेबल होगा। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटर व्हीकल है क्या। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटर व्हीकल यानी HSTDV स्क्रेमजेट एयरक्राफ्ट इंजन है, जो अपने साथ हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को ले जा सकता है। इसकी रफ्तार ध्वनि से 5 गुना ज़्यादा है, यानी दुनिया के किसी भी कोने में बैठे दुश्मन के ठिकाने को महज कुछ ही देर में निशाना बना सकती है। इसकी रफ्तार इतनी तेज है कि दुश्मन को इसे इंटरसेप्ट करने और एक्शन लेने का मौका भी नहीं मिलता। HSTDV के सफल परीक्षण से भारत को हाई टेक्निक की हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में मदद मिलेगी। हाइपरसोनिक मिसाइल ऐसी मिसाइल्स को कहते हैं जो मैक 5 यानी आवाज की गति से 5 गुना ज़्यादा या उससे भी ज़्यादा स्पीड से टारगेट की ओर बढ़ती है। ये 1 घंटे में करीब 6200 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। न्यूक्लियर वेपन ले जाने में भी कैपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल बहुत कम हाइट पर भी आम बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल से ज़्यादा स्पीड से उड़ान भर सकती है। इस दौरान अपनी दिशा भी बदल सकती है, यानी आम मिसाइल की तरह ये तय रास्ते पर नहीं चलती है। इससे पहले भी भारत रूस के साथ मिलकर ब्रह्मोस 2 मिसाइल पर इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। अभी तक भारत 4 तरीके के हाइपरसोनिक व्हीकल पर काम कर रहा है। ATV एडवांस्ड टेक्नोलॉजी व्हीकल ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल, शौर्य हाइपरसोनिक मिसाइल, HGV हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। भारत भी अपने चालबाज पड़ोसियों को सबक सिखाने के लिए अपनी सेना को मजबूत कर रहा है। भारत अपने हथियारों को आधुनिक करने के साथ स्वदेशी तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दे रहा है। अब इस टेक्नोलॉजी के बाद भारत उन दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देगा जो लगातार सीमा में उसको आग दिखा रहा है। इस स्टोरी को आपके लिए तैयार किया है हमारे साथी मंचकार पुनीत ने। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही और वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।